नगर कुरवाई में कांग्रेस नेत्री जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार के नेतृत्व में कुरवाई विधानसभा के बिजली पानी सड़क महिलाओं पर हो रहे अत्याचार प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा पक्षपात जैसी प्रमुख मांगों को लेकर मेन बस स्टैंड पर विशाल धरना प्रदर्शन एवं तहसील परिसर का घेराव किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता सभा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा सरकार को जमकर कोसा। रानी अहिरवार ने मंच से मांगों को दोहराते हुए शीघ्र मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कुरवाई विधानसभा में भाजपा के द्वारा निकली गई विकास यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। कार्यक्रम के पश्चात सभा स्थल से समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेतागण रैली के रूप में तहसील परिसर के घेराव के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रवाना हुए, तो प्रशासन ने आधे रास्ते में तालाब के पास कांग्रेसियों को तहसील परिसर का घेराव करने से रोक लिया। आधे रास्ते में ही तहसीलदार को कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। देश के अंदर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और विकास हुआ हो ना हुआ हो विकास यात्रा जरूर हुई है। और मध्य प्रदेश में खासतौर से मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा, कुरवाई की कहना चाहूंगा कि कुरवाई में भी विकास की यात्रा हुई। अभी डिबेट भी हुआ था, कई पत्रकार साथी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी दमदारी के साथ में कह रहे कि हमने चौमुखी विकास किया है, चारों तरफ विकास ही विकास है, और हमने विकास यात्रा भी चलाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं 2003 का चुनाव लड़ा, 2008 का चुनाव लड़ा, 2013 का चुनाव लड़ा, और मैं तीनों चुनाव में कहा कि जनता मुझे जिताए ना जिताए मैं लड़ता रहूंगा, और हराते हराते जनता हर जाएगी, लेकिन मैं लड़ते लड़ते नहीं हारूंगा, एक दिन ना एक दिन चुनाव जरूर जीतूंगा, ये संकल्प लेकर मैं चला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।